अवलन आप सबके खिदमत में इस जश्न को सफर की देंगे तो तकलीफ पेश करता हूँ। अगर जहमत ना हो तो जरा जरा सा करीब आ जाइए, बीच में जो फासले हैं इसे मिटा दीजिए। कभी कभी बिना कहे सलवार पढ़ते हुए करीब आ जाए। आप कितने ताजे हैं तो आप लायदा फरमा लें, बहुत आराम से पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ पहुँचाने की कोशिश करें। होता है जमाने वालों को ऐलान रजा के रोजे से, खास तौर से मुलायदा फरमाइएगा, ताजे हैं लेकिन कीमती हैं। होता है जमाने वालों को ऐलान रजा के रोजे से, मायूस न लौटेगा कोई मेहमान रजा के रोजे से, मेहमान रजा के रोजे से। ये मैं नहीं कहता, खुद सुनिए, उस मुल्क के मोमिन कहते हैं। ये मैं नहीं कहता, खुद सुनिए, उस मुल्क के मोमिन कहते हैं, कुल खर्च चलाता है अपना ईरान रजा के रोजे से। अपनी आंखों से ये देखेंगे रजा के दुश्मन। आपको हथियार है, चाहे जैसे सुने, जब किसने पहुंचे तब बोलिएगा, दाम में ले लूंगा आपसे, मुतमईन रहिए। अपनी आंखों से ये देखेंगे रजा के दुश्मन, इख्तियार इनका है, उन पर ये पता जाएंगे। अपनी आंखों से ये देखेंगे रजा के दुश्मन, इख्तियार इनका है कुन पर ये बता जाएंगे। कर दिया मजहर यज़्दा ने इशारा अपना, शेर बाहर अभी तस्वीर से आ जाएंगे। कभी तो खत्म ही होंगे ये इंतजार के दिन। आप भी इंसान हैं, इतनी देर रात दी है तो आपको भी थकान होगी, जाहिर सी बात है, तब तक आप आराम करिए। लेकिन मिसरे कीमती हैं, जब आपकी आपका खून आपको बोलने में मजबूर करे तब बोलिएगा। कभी तो खत्म ही होंगे ये इंतजार के दिन, कभी तो खत्म ही होंगे ये इंतजार के दिन, कभी तो आएंगे हैदर के ज़ुल्फ़िकार के दिन। कभी तो खत्म ही होंगे ये इंतजार के दिन। एक सच्ची खबर सुनाने जा रहा हूँ, जिसे जितनी खुशी होगी इस खबर को सुन के वो उतना बोलेगा। कभी तो खत्म ही होंगे ये इंतजार के दिन, कभी तो खत्म ही होंगे ये इंतजार के दिन, जिसे जितनी खुशी होगी इस खबर को सुनने के बाद वो उतना बोलेगा। कभी तो खत्म ही होंगे ये इंतजार के दिन, कभी तो आएंगे हैदर के ज़ुल्फ़िकार के दिन, जिसे जितनी खुशी होगी वो उतना बोलेगा। कभी तो आएंगे हैदर के ज़ुल्फ़िकार के दिन, अरे निकाले जाएंगे कब्रों से कातिले ज़हरा। निकाले जाएंगे कब्रों से कातिले ज़हरा, मैं सारा काम करूंगा, निकाले जाएंगे कब्रों से कातिले ज़हरा।
वही तो होंगे हमारे लिए करार के दिन, वही तो होंगे हमारे लिए करार के दिन। सुने बतूल के दुश्मन के जल्द आएंगे, सुने बतूल के दुश्मन के जल्द आएंगे, हमारी जीत के दिन और तुम्हारी हार के दिन। कभी तो खत्म ही होंगे ये इंतजार के दिन, कभी तो आएंगे हैदर के जुल्फकार के दिन, निकाले जाएंगे कब्रों से काबिले ज़हरा, वही तो होंगे हमारे लिए करार के दिन, वही तो होंगे हमारे लिए करार के दिन। सुने बतूल के दुश्मन के जल्द आएंगे, हमारी जीत के दिन और तुम्हारी हार के दिन, हमारी जीत के दिन और तुम्हारी हार के दिन। काफिले का सर खास तौर से मुलायदा फरमाए, जिन तक मिसरे पहुंच गए वो खामोश नहीं रहेंगे, मुझे उम्मीद नहीं यकीन है। मनाए शुक्र सभी काफिले बतूल अभी, चलेगी तेज तो एक बार भी शुक्रवार के दिन। लेकिन याद रखिएगा, अगर तबर्रा नहीं है तो कोई इबादत कबूल नहीं है। हर अमल का दारो मदार विलायत पर, और विलायत उसी की कबूल होगी जो तबर्रा है। याद रखिएगा, पूछ लीजिएगा। हाँ सुनिए, किस लिए तुझको तबर्रे का बुरा लगता है? बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है, किस लिए तुझको तबर्रे का बुरा लगता है? कातिले बिन्त पैगंबर तेरा क्या लगता है?
जुल्म के सब देख रहे थे। नहीं, अब जरा शायरी सुनिए। किस तरह सजी जुल्म की सब देख रहे थे, फिर सुने मिश्रा। किस तरह सजी जुल्म की सब देख रहे थे, प्यासे थे मगर अपना हदफ देख रहे थे। किस तरह सगी सुन के सब देख रहे थे, प्यासे थे मगर अपना हदफ देख रहे थे। पल के नजर के मेरी तरफ, प्यासे थे मगर अपना हदफ देख रहे थे। क्यों भाग पड़े खौफ से लश्कर के सिपाही, आप कैसे सुनेंगे भाई? अपने हाथों को बोलिए, अल्लाह ने किसी इबादत में नहीं बांधे तो आप क्यों बात कर बैठे हो? सगी सुन के सब देख रहे थे, किस तरह सगी सुन के सब देख रहे थे। प्यासे थे मगर अपना हदफ देख रहे थे, प्यासे थे मगर अपना हदफ देख रहे थे। क्यों भाग पड़े खौफ से लश्कर के सिपाही, क्यों भाग पड़े खौफ से लश्कर के सिपाही, क्यों भाग पड़े खौफ से लश्कर के सिपाही? फिर सुनिए मिश्रा, क्यों भाग पड़े खौफ से लश्कर के सिपाही? अब्बास तो बस रंग की तरफ देख रहे थे।
تاریخ میں تھی ام کلثوم جنہیں تاریخ پتا ہے وہ خاموش نہیں رہیں گے باب شبیر اٹھا زینب مصدر کا جلال ام کلثوم مگر صبر کی تائید میں تھی ایک گویا رہی سرور کی طرح شام تلک اور بہن حضرت عباس کی تقلید میں تھی اللہ علی کی بیٹی بول رہی
ज़ालिम तख्त पर कांपने लगा। मंजर नजर में रखिए, पूरी कुव्वत समेत के मिस्र पहुंचाता। अगर अपनी जगह पे बैठे रहे तो अफसोस होगा, अगर पूरी कायनात के पूरे कद से खड़े होकर के इन मिस्रों का इस्तकबाल करे तो इन मिस्रों की कीमत दुनिया में बढ़ाई करने वाली। फरमाए अली की बेटी बोल बीबी फरमाती है, ज़ालिम सुन, है सदमा भी ताजा भाई से जुदाई, ज़ैनब के नहीं दिल में अरमान भाई के। ज़ालिम तख्त पर कांपने लगा, मंजर नजर में रखिएगा। बीबी फरमाती है सदमा भी ताजा भाई से जुदाई के, ज़ैनब के नहीं दिल में अरमान। Oh!
अच्छे से सुना है, जो हर बनता था सुनने का उस तरीके से सुना है। अब आप इस लतीफ के साथ एक शेर सुनाता हूँ, शायद याद रह जाए। रजा भाई दुआएं चाहता हूँ। आया है लबे में है अलमदार अकेला, उस बात को लाखों है ये इस बार अकेला। खत है चचेरी ने तो कहा शिव लई ने, जाए ना उधर कोई खबरदार अकेला। कितनों को कता दे गया तापों से कुचल कर, कितनों को कता दे गया तापों से कुचल कर। मैदान में अब्बास का रहमान अकेला, हर जंग में तलवार नजर आई है लेकिन असगर के तबस्सुम का मिला बार अकेला। मदीने का है एक चांद, शेर सुनो नौजवानों, एक चांद अल्लाह मदीने का है और नाम है अकबर।
सारे गांव उन्हें ढूंढ के मुख्तार अकेले अच्छा रे बिना आराम से बोलता हूं। एक बात यही खा गई जिंदा के पेशर को। एक बात यही खा गई हिंदा के प्रेशर को। हम नाका जी के धागे या दरबार अकेला सिर्फ और सिर्फ ये दो शेर और जहमत तमाम
सुने खास तौर से मुलाहिज़ा फरमाएं, लश्करे दी के जो गर्दिश में सितारे जाएंगे, तब अली ही जंग के खैबर में पुकारे जाएंगे, खूब है इनाम रोजे और नमाजों का मगर, कुल में हम अपने अश्कों के सहारे जाएंगे, कुल में हम अपने अश्कों के सहारे जाएंगे। एक शेर और याद आ गया है, वो भी सुन लीजिए, आ रहा है हुर भरे घर को लिए सुबह हुसैन। तीन शेर है खुदा हुसैन का वास्ता, इस पर बात कर लीजिए ना, मिसरों का याद रह जाएगी कि मैं आबाद आ रहा। के साथ